दिल्ली से बनारसी के बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 2 घंटे में पूरा होगा सफर। मुंबई अहमदाबाद के बाद देश की दूसरी बुलेट ट्रेन नई दिल्ली से बनारसी के बीच चलाई जाएगी। यह ट्रेन 782 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में पूरा करेगी। आम ट्रेनें इस रूट पर सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटे का समय लेती हैं। खबरों के मुताबिक इस ट्रैक पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के लिए स्पेनिश फर्म पर बात चल रही है, जो नवंबर तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली से वाराणसी के बीच निकलने वाली बुलेट ट्रेन यूपी के कई बड़े शहर जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ और सुल्तानपुर होते हुए निकलेगी। इस योजना को पूरा हो जाने पर दिल्ली से लखनऊ के बीच 506 किलोमीटर की दूरी तय करने में महज 1 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। वहीं दिल्ली से कोलकाता के बीच 1513 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 56 मिनट में पूरी करेगी। वहीं यह भी माना जा रहा है यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण बुलेट ट्रेन का काम तेजी से किया जा रहा है। हमारी शताब्दी एक्सप्रेस 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है और वहीं दूसरी 140 किलोमीटर की रफ्तार से राजधानी एक्सप्रेस दौड़ती है, तो वहीं बुलेट ट्रेन 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। तो मोदी जी का सपना होगा पूरा या नहीं, देखना यह है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है चीन में। 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक बिछी हुई है चीन में। अब भारत में भी चलेगी बुलेट ट्रेन, वही भी चीन की बुलेट ट्रेन जैसी होगी। ये थी SM News रिपोर्ट।